एक और बड़ी खबर क्यों रुक करेंगे, बड़ी जानकारी आ रही है वो आपको यहाँ पर बता दें तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे समीक्षा बैठक। जी हाँ, समीक्षा बैठक की जाएगी केंद्रीय रक्षा मंत्री द्वारा, अग्निपथ योजना को लेकर बैठक करेंगे, बड़ी जानकारी आ रही है। तो बैठक में तीनों सेनाओं के प्रमुख इसमें शामिल होंगे, बता दें आपको इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। थोड़ी देर में शुरू होगी ये बैठक, तो थोड़ी देर में बैठक जो है वो शुरू होगी, जानकारी आपको यहाँ पर दे दें। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समीक्षा बैठक करेंगे, बड़ी जानकारी आ रही है आपको बता दें, अग्निपथ योजना को लेकर ये बैठक जो है वो यहाँ पर की जाएगी इस वक्त की ये बड़ी खबर आ रही है, बड़ी जानकारी जिसको लेकर अग्निपथ योजना को लेकर लगातार जो विरोध प्रदर्शन है वो भी देखने को मिल रहा है। और यही वजह है कि जगह जगह पर जो प्रदर्शन है वो यहाँ पर हो रहा है, तस्वीरें भी सामने आ रही है और इसको लेकर केंद्र पूरी तरीके से स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। और यही कारण है कि आज ये समीक्षा बैठक जो है वो होगी, इस वक्त की बड़ी खबर। तो थोड़ी देर में शुरू होगी ये बैठक, इस वक्त की बड़ी जानकारी आ रही है आपको बता दें, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे समीक्षा बैठक, ये बड़ी जानकारी आपको यहां पर बता रहे हैं। अग्निपथ योजना को लेकर बैठक करेंगे रक्षा मंत्री। अग्निपथ योजना है इसको लेकर के देश के तमाम राज्यों में जो विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, तेज विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, उसको लेकर के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय बैठक अभी होनी है, थोड़ी देर के बाद वो बैठक शुरू होगी कहा जा रहा है। और उसमें जो अभी जो स्थिति बनी हुई है इसको लेकर के तमाम जो घटनाक्रम है और जो चीजें हैं उसकी पूरी निगरानी और उसकी समीक्षा जो है रक्षा मंत्री के स्तर पे की जाएगी। रक्षा मंत्रालय के सोर्सेज ने हमें ये बताया है कि इस मीटिंग में तीनों जो सेनाएं हैं, वायुसेना, सेना, नौसेना, उनके प्रमुख जो है वो शामिल हो सकते हैं। और जो सैन्य मामलों का विभाग है DMA के एक वरिष्ठ अधिकारी भी जो है इस बैठक में शामिल होंगे। अभी क्योंकि ये कहा जा रहा है कि इस बैठक को लेके पहले ये कहा गया था मंत्रालय की तरफ से कि ये करीब 11 बजे शुरू हो सकती है, लेकिन क्योंकि अभी आर्मी चीफ जो है हैदराबाद में है, वो वहां पर कंबाइंड ग्रेजुएशन कोर्स जो है उसके लिए, उस कार्यक्रम के लिए गए हुए हैं, तो शायद हो सकता है कि इस बैठक के समय में थोड़ा सा बदलाव हमें देखने को मिले और दोपहर तक ये बैठक जो है शुरू हो जाएगी। कविता, एक चीज आपसे मैं कंफर्म यहाँ पर करना चाहूंगी, क्या अभी बैठक शुरू हो चुकी है? देखिए, अभी तो ये कहा जा रहा है मंत्रालय की तरफ से कि अभी शुरू नहीं हुई है, थोड़ा सा इसमें समय लग रहा है, लेकिन ये कहा गया है शायद इस बैठक में शामिल होंगे क्योंकि अभी वो अर्जी में नहीं है, तो उनकी वापसी के बाद हो सकता है कि अब से थोड़ी देर में दोपहर में करीब हम कह सकते हैं कि लंच के बाद जो है 1 बजे के बाद ये बैठक जो है शुरू हो सकती है। कविता, क्योंकि फिलहाल ये स्कीम जो है युवाओं को रोजगार और युवाओं को एक बेहतर भविष्य हो इसके लिए यहाँ पर शुरू की गई थी, लेकिन जो अब फिलहाल तस्वीरें नजर आ रही हैं उसे अभी क्या है, क्योंकि क्या इस स्कीम के फायदों को प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए हैं, क्या टेक्निकलिटी यहाँ पर रह रही है, क्योंकि प्रदर्शन के अब ये उग्र होता जा रहा है, जगह जगह अभी प्रदर्शन हो रहे हैं इसके खिलाफ। देखिए, ये स्कीम है, इसके बारे में सरकार की तरफ से जिस तरीके से रक्षा मंत्री और तीनों जो सेनाओं के प्रमुख हैं वो खुद बनाए थे और प्रधानमंत्री ने खुद जो है कैबिनेट की सुरक्षा मामलों की समिति की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई थी। सरकार का ये कहना था कि कोरोना काल 2 साल क्योंकि कोविड की वजह से भर्ती के लिए नहीं हुई सेनाओं में भर्ती के लिए जवानों की, तो सरकार ने एक बहुत ही उम्मीद के साथ और बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ इस स्कीम को सरकार लेकर आई थी और सरकार का ये भी कहना था कि मतलब ये काफी फायदेमंद रहेगी और इससे हमारी जो आर्मी है वो पहले के मुकाबले काफी ज्यादा उसमें युवा भर्ती होंगे और हमें एक युवा आर्मी मिलेगी जो कि टेक्नोलॉजी के हिसाब से, ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से वेल इक्विप्ड सोल्जर्स हमें मिलेंगे। और लेकिन दूसरी तरफ हम ये देखें तो जवान खासतौर पर जैसे हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, पंजाब है, राजस्थान है, बिहार है और दक्षिण भारत के जो राज्य हैं जहाँ पे बड़ी संख्या में जवान जो है सेनाओं में भर्ती है, हर साल आवेदन करते हैं, आते हैं और तैयारी करते हैं लोग, उनका ये कहना है कि एक तरीके से पहले जो परमानेंट सर्विस होती थी हमें पेंशन दी जाती थी, लेकिन अब हमें ये कहा जा रहा है कि आप 4 साल आइए, कॉन्ट्रैक्ट पे रहिए, आपको ना तो कोई पेंशन दी जाएगी और ना ही कोई और सुविधा इसमें दी गई है। तो उनका ये कहना है कि एक तरीके से हम देश की रक्षा के लिए, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए हम जान कुर्बान करने के लिए हम फौज में भर्ती होते हैं, तो हम अपनी जान की कुर्बानी देने के लिए हम फौज में आ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद सरकार जो है वो हमारी सुरक्षा, हमारे जीवन की सुरक्षा, क्योंकि 4 साल के बाद हमारा भविष्य क्या होगा इसको लेकर के एक अनसर्टेनिटी जो है, मतलब एक अनिश्चितता जो है गांव में है, जिसको लेकर के वो प्रदर्शन कर रहे हैं और काफी ज्यादा उनकी नाराजगी है। लेकिन मुझे लगता है कि सरकार के स्तर पर वरिष्ठ मंत्री लगातार कोशिश कर रहे हैं, सेना के जो अधिकारी हैं और जो चीफ हैं तीनों,
उनकी भी कोशिश है कि समझाया जाए, बात को पहुंचाया जाए और ये जो योजना है उसके फायदे बताए जाएं ताकि ये प्रदर्शन जो है जल्द से जल्द समाप्त हो सके। अच्छा कविता, इन तमाम प्रदर्शनों और विरोध दर्ज करवाने के बीच आज जो समीक्षा बैठक होने जा रही है, आप बता रही हैं कि बस कुछ ही देर में जो है वो शुरू होगी, तो क्या कोई बड़ा फैसला जो है आज के समीक्षा बैठक में लिया जा सकता है? देखिए सरकार अभी फिलहाल क्योंकि इस घोषणा की सीसीएस की तरफ से क्लियरेंस के बाद, मंजूरी के बाद इसको सरकार ने एक तरीके से अनाउंस कर दिया है, लेकिन अभी जिस तरीके का रिएक्शन इसका देश के युवाओं में, तमाम राज्यों में और आम जनता में देखने को मिला है, तो कहीं ना कहीं सरकार मतलब अब बहुत ही, जिसे कहते हैं कि सतर्कता के साथ पूरी निगरानी कर रही है, पहले देख रही है कि मतलब किस तरीके का रिएक्शन है, कुछ बदलाव की जरूरत है, क्योंकि पहले ये कहा गया था कि 17.5 से 21 साल तक जो है ये रहेगा, उसके बाद क्योंकि कुछ विरोध प्रदर्शन वगैरह देखे गए, आगजनी वगैरह हुई, तो सरकार ने 2 साल की जो आयु सीमा है उसको और बढ़ा दिया, तो इस तरीके से मतलब और भी बदलाव, जैसे लोगों के जिस तरीके की जानकारी या जिस तरीके की विरोध में बातें उसके सामने आ रही हैं, जो उनके दिमाग में संशय हैं इस योजना को लेकर के, जो भी चीजें हैं उसको लेकर के हमें लगता है कि रक्षा मंत्री एक बार रिव्यू करेंगे कि किन किन मुद्दों को लेकर के युवा जो है नाराज हैं, जो सेनाओं में आते हैं भर्ती के लिए हर साल बड़े पैमाने पर, उनकी क्या अपेक्षाएं हैं, क्या इच्छाएं हैं, छोटे मोटे बदलाव मुझे लगता है कि देखने को मिल सकते हैं, लेकिन एक बार क्योंकि घोषणा हो चुकी है तो अभी मतलब ये कहना कि सरकार इसको वापस लेगी या सरकार क्या करेगी, ये बहुत जल्दबाजी होगा, अभी हमें इंतजार करना होगा इसके लिए, लेकिन रिव्यू कर रही है सरकार, समीक्षा के बाद संशोधन हो सकते हैं। अच्छा कविता, क्योंकि जाहिर तौर पर बहुत सारी कंफ्यूजन्स हैं इन युवाओं में, बार बार सरकार की तरफ से कहा जा चुका है कि जैसे पहले भर्तियां होती थी वो वैसे होंगी, चाहे वो ऑफिसर्स ग्रेडिंग की भर्तियां हो, चाहे वो सेना में अन्य जो कैटेगरी होती है उसकी भर्तियां हो, ये एक अलग विकल्प जो है युवाओं को दिया गया है, अब समझ से परे यहाँ पर यह है कि युवाओं में कंफ्यूजन किस स्तर पर बना हुआ है? देखिए युवाओं में सबसे बड़ा कंफ्यूजन, सबसे बड़ी समस्या, सबसे बड़ी नाराजगी इस बात को लेकर है कि पहले जिस तरीके से एक जवान जब सेना में भर्ती के लिए आता था 17.5 साल की उम्र में, तो उसके पास ये सबसे बड़ा भरोसा, सबसे बड़ा आशा रहता था कि एक तो सबसे बड़ा गर्व ये होता था कि वो देश की सेवा के लिए जा रहा है, भारत की सेवा के लिए जा रहा है, सीमाओं की रक्षा करने के लिए जा रहा है, और दूसरा सबसे बड़ा उसके पास ये भी एक रहता था सेना में, ये होता था कि आप अगर 15 साल की इनकी सर्विस होती तो 30 से 35 साल के बीच में रिटायर होते थे और एक परमानेंट इनके पास जॉब होती थी और इन्हें पेंशन दिया जाता था, तो वो एक जॉब सिक्योरिटी वाली जो भावना होती है, और दूसरा ये होता है कि वो गवर्नमेंट सर्विस में पेंशन के साथ रिटायर होंगे और देश की सुरक्षा के लिए जा रहे हैं, तो एक सम्मान की तरफ से तो पूरा सम्मान और पूरा देश उनको देखता ही है, दूसरा ये था कि उनके पास सामाजिक सुरक्षा भी थी, उनके पास सम्मान भी था, उनके पास गर्व की भावना भी थी, लेकिन अब इस नौकरी में क्या है कि इसमें एक पेज और भी आ रहा है अंजलि, जिसका सवाल उठ रहे हैं कि 4 साल के बाद जब इन लोगों को ये कॉन्ट्रैक्ट वाली सर्विस है, 4 साल के बाद जब इन लोगों को सेना से बाहर किया जाएगा 24 साल में, तो इन लोगों को सेवानिवृत्त सैनिक या पूर्व सैनिक भी माना जाएगा या नहीं माना जाएगा, इस पर भी एक बहुत बड़ा विवाद है और जो युवा आते हैं भर्ती के लिए वो काफी विरोध कर रहे हैं इसको लेकर के। हालांकि ये बात और है यहाँ पर कि सरकार साफ कर चुकी है कि जो युवा आगे बढ़ना चाहते हैं उस पर भी समीक्षा की जाएगी, और अगर इन अग्निवीरों में कुछ ऐसे कैडेट्स होंगे, ऐसे कुछ जवान होंगे जिनकी कार्य क्षमता अच्छी होगी तो उन्हें आगे प्रमोट भी किया जाएगा। चलिए इसको लेकर पूरी टेक्निकलिटी यहाँ पर समझ लूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया कविता जोशी इस तमाम जानकारी के लिए।